साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज की जो मैं रेमेडी आपको बता रहा हूँ, आज बहुत ही आपको एक दिव्य प्रयोग दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं खुद का एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसको मुझे हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उसके लिए जब मैंने इस रेमेडी को किया तो मुझे इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिला। तो इस प्रयोग को आप धन प्राप्ति के लिए, दरिद्रता से मुक्ति के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, या कोई भी ऐसी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है जो बहुत टाइम से चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये परेशानी खत्म होगी ही नहीं, तो वो परेशानी भी आपकी लाइफ से टोटल खत्म हो जाएगी। यदि कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो इस प्रयोग को यदि आप कंटिन्यू 2 से 3 बार आप कर लेंगे तो बड़े से बड़ा कर्ज आपको उतर जाएगा। अगर आपके पास में रोजगार वगैरह नहीं है, आप चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी आपको मिले, तब इस प्रयोग को आप कर लीजिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि धन पैसों का बहुत ज्यादा अभाव है, तब इस प्रयोग को कर लीजिए। आपका व्यापार वगैरह है, बिजनेस वगैरह है, उसमें आप चाहते हैं आपको ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, आगे बढ़ने के लिए आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आए, तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। मतलब कि इस प्रयोग को आप पर किसी भी तकलीफ से दूर छुटकारा पाने के लिए और किसी भी मनोकामना को पूरी करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी रेमेडीज करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर बनाएं, धैर्य जरूर रखें, ठीक है। और इस प्रयोग को करने के बाद में मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी जो भी परेशानी के लिए आप करेंगे वो परेशानी आपकी 100% सॉल्व होगी, क्योंकि मैं ये प्रयोग जो है मैंने किसी और पे टेस्ट नहीं किया है, ये प्रयोग मैंने खुद पे टेस्ट किया है और मुझे बहुत ही अच्छे से चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिले हैं। तो ये समझ लीजिए कि आज खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। अगर पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को आप करेंगे तो आप खुद मुझे बताइएगा कि आपको क्या अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, आपकी सारी परेशानियों से मुक्ति का ये सबसे दिव्य और शक्तिशाली समझ लीजिए कि मेरे तरफ से आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूं, ठीक है। देखिए इसमें जरूरत पड़ेगी आपको 2 बादाम की। प्रयोग को आप किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, किसी भी धर्म के कोई भी लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सघन वृक्ष हो गया, अगर किसी पेड़ के नीचे करते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा, जैसे कि कोई पुराना पीपल का पेड़ है, कोई पुराना बरगद का पेड़ है, कोई ऐसा पूजनीय वृक्ष हो गया जैसे कि जामुन का हो गया या फिर आंवले का हो गया, अशोक का हो गया, कोई भी आपको अच्छा छायादार कोई वृक्ष देख लेना है, किसी भी मतलब कि किसी भी जगह इस प्रयोग को कर सकते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, किसी सघन वृक्ष में, जहां आपको सही लगता है, जहां आपको लगे कि हाँ यहां मैं बहुत आसानी से और एकदम रिलैक्स होकर के प्रयोग कर सकता हूं, कर सकती हूं, वहां पर एक जगह का आपको चुनाव कर लेना है, ठीक है। और कोई भी प्रयोग करते हैं तो उस समय अपने विचार एकदम क्लियर रखें कि मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस प्रयोग को कर रहा हूं, इस परेशानी से मुक्ति के लिए इस प्रयोग को मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, है ना। तो इसमें जरूरत पड़ेगी आपको 2 बादाम की, ठीक है। और किसी भी दिन इस प्रयोग को स्टार्ट किया जा सकता है, वैसे अगर पूर्णिमा, गुरुवार, शुक्रवार, इन दिनों में ज्यादा बेस्ट होता है। अगर धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन में करें, शुक्रवार के दिन में, पूर्णिमा के दिन में करें। मनोकामना पूर्ति चाहते हैं तो त्रयोदशी के दिन में कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो मंगलवार के दिन में कर सकते हैं। व्यापार, बिजनेस है, नौकरी पेशा है, नौकरी वगैरह चाहते हैं या नौकरी में ग्रोथ चाहते हैं, बुधवार के दिन से करें। लग्जरीज चाहते हैं, शुक्रवार के दिन से करें। संघर्ष लगा हुआ है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब दरिद्रता, गरीबी, शत्रु, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए शनिवार से स्टार्ट करें। चारों तरफ से मान सम्मान चाहते हैं, आपको ये चाहते हैं कि चारों तरफ आपकी सब इज्जत करें, तो रविवार से शुरू करें, है ना। और अतः धन की प्राप्ति चाहते हैं, सोमवार से करें। सभी प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार से इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, लेकिन करना 2 बादाम से है। तो सबसे पहले 2 बादाम आपको ले लेनी है, किसी एक जगह का आपको चुनाव कर लेना है, जैसे कि किसी वृक्ष का या मंदिर का। उसके बाद में 2 बादाम लेकर के आपको जाना है, लेकिन जब घर से निकलेंगे तो अपनी मनोकामना को लेकर के 2 बादाम ले लेना है। और एक चीज का यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपको ये प्रयोग 8 दिन कंटिन्यू करना है, तो 8 दिन में आप जो जूते या चप्पल पहन करके जाएंगे वो एक ही यूज करेंगे, यानी कि आज आपने दूसरी चप्पल पहन ली, कल आपने दूसरी चप्पल पहन ली, जो भी शूज वगैरह है, चप्पल वगैरह है, सैंडल वगैरह है, वो 8 दिन तक प्रयोग करेंगे और 8वें दिन वही चप्पल आपको यूज करना है, अलग से आपको कोई दूसरी चप्पल नहीं लेनी है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं,
और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं, यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या कोई प्लैनेट है जो अनबैलेंस होने के कारण प्रॉब्लम्स कर रहा है। जब तक उस प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग कोई रेमेडी नहीं करेंगे, आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडीज की जाती हैं या प्लैनेट के हिसाब से कोई रेमेडीज की जाती हैं, 100% और इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के द्वारा जो भी समस्या है आपकी उसका आपको सटीक से सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7-11-21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि शावर मंत्रों के द्वारा हमारे द्वारा कुछ विशेष पूजाएं की जाती है। शावर मंत्र होते हैं, दुर्लभ होते हैं। हमारे पास में जो शावर मंत्र है पूर्ण शावर मंत्र है, नाथ गुरु नाथ पंथियों से प्राप्त है। आजकल सभी शावर मंत्र डाल रहे हैं लेकिन शावर मंत्र आधे अधूरे वर्क नहीं करते हैं। हमारे पास में जो शावर मंत्र है पूर्ण शावर मंत्र है। राहु को बैलेंस करने के लिए 18 डेज की पूजा होती है, शनि राहु केतु को बैलेंस करने के लिए 28 डेज की पूजा होती है, और खुद के घर के जो लोग रेंट पर रहते हैं खुद का घर 3 महीने में चाहते हैं तो इसके लिए 3 महीने की शावर मंत्रों की पूजा है। मेरे काफी क्लाइंट से 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति हुई है। राहु को यदि बैलेंस कर लेते हैं तो अनएक्सपेक्टेड धन रुपया पैसा सब कुछ आने लगता है। शनि राहु केतु को बैलेंस कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि 100% आपकी सारी परेशानियां ऑटोमेटिक सोल्व हो जाती है। तो जिस भी आपको पूजा की नीड हो तो आप व्हाट्सएप में कंसल्ट करके पूजा बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, 2 बादाम आपने ले लिए, घर से आप निकलेंगे सबसे पहले किसी जगह का चुनाव कर लिया, सघन वृक्ष का चुनाव कर लिया या मंदिर मस्जिद जहां भी, अब एकदम दीनहीन होकर के कि आप अपने आप को भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपने अपने सब कुछ अपना भगवान के हाथ में सरेंडर कर दिया। इस तरीके से अपने आप को सोच करके और 2 बादाम लेकर के किसी वृक्ष के पास में आप चले जाएंगे। जैसे पीपल के पास में आप चले गए तो पीपल के पास में जाने के बाद में 2 बादाम आपको पीपल के नीचे आपको रख देना है। जो भी आपके ईष्ट हैं, ईष्ट भगवान हैं, उनको आपको नाम लेते हुए उनकी प्रार्थना करते हुए 2 बादाम आप उसके नीचे रख देंगे। अब वहां पर एकदम आपको ऐसे हो जाना है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ जो करना है भगवान को करना है, आपने सरेंडर कर दिया है, अपने आपको समर्पित कर दिया है। तो वहां पर जितनी भावनाओं के साथ में जो कुछ भी आपकी फीलिंग्स है सारी पूरी ताकत लगा करके रो के गिड़गिड़ा के भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरी कर्ज की समस्या दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, मेरी जिंदगी में धन का प्रवाह बढ़ जाए। जो भी प्रार्थना है वहां पर आपको प्रार्थना कर लेनी है पूरी श्रद्धा और विश्वास से, एकदम ऐसे होकर के अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसी प्रार्थना करके और वहां पर भगवान को प्रणाम करके अब 1 बादाम आपको वहीं रखे रहने देना है, दूसरा आपको घर उठा करके घर ले आना है, इसको आपको सुरक्षित रख देना है। ऐसे करके आपको 8 दिन तक कंटिन्यू ये प्रयोग करेंगे। अब जब 8वां दिन आपका आता है तो आपको लास्ट वाले दिन क्या करना है, फिर से आपको 2 बादाम लेकर के जाना है 8वें दिन, और 8वें दिन उसी तरीके से प्रार्थना करके 7 डेज पूरे हुए, 8वां दिन हुआ तो 8वें दिन 2 बादाम वहीं रख दिए, 1 बादाम आपने उठा लिया। अब जो आपके जूते चप्पल है जो भी आप 8 दिन तक पहन के गए थे तो आपको उसको वहीं छोड़ देना है, ये सोच करके कि मैं सारी परेशानी सारे दुख दारिद्र गरीबी सब कुछ मैं यहीं छोड़ करके जा रहा हूं, ठीक है, और उसको वहां छोड़ करके घर आपको वापस आ जाना है। अब ये आपके 8 दिन के 1-1 बादाम आपने वहां पे चढ़ाया, 1 बादाम आपने घर ले आया, टोटल हो जाएंगे आपके 8 बादाम, ठीक है। तो अब इनका क्या करना है, आपको पाउडर बना लेना है। पाउडर बना करके और आपको क्या करना है, थोड़े से चावल लेने हैं, चावल को हल्का सा ड्राई करके उसका कच्चापन निकाल के उसका भी पाउडर बना लेना है, और चीनी का आपको पाउडर यानी कि चीनी का बूरा, ठीक है, और थोड़ा बहुत नारियल का बूरा मिल जाए तो और भी बेस्ट है, इन सबका पाउडर मिक्स कर लेना है। एक लेना है आपको नारियल का गोला, ठीक है, नारियल के गोले जैसे ये हो गया, ये नारियल का गोला है, तो इसको ऊपर से कैप जैसा थोड़ा सा कट कर देंगे, ठीक है, और उसको मैं उसके अंदर जो गोला बचेगा नारियल का तो उसमें आपको आधे से ज्यादा ये पूरा पाउडर आपको भर देना है और थोड़ा सा पाउडर आपको बचा लेना है। उसके बाद में थोड़ा बहुत उसमें घी डाल दें और ऊपर से उसको जो कैप आपने लिया था कैप को बंद करके लाल धागे से बांध दें, और 9वें दिन फिर से उसी वृक्ष के पास में जाकर के जहां पर आपने 8 बादाम चढ़ाए थे आपको क्या करना है, पंजे के बराबर खड्डा खोदना है,
थोड़ा सा उसको क्या करना है, ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा बस ऊपर खुला रहे, बाकी पूरा आपको क्या करना है मिट्टी में दबा देना है, ऊपर से कोई पत्थर वगैरह रख दें, और जो बुरा जो आपको बचा हुआ था इसको आसपास आप छिड़क दें, तो इसकी महक से क्या होगा, चींटी वगैरह जो जीव जंतु हैं ठीक है वो सब उसकी खुशबू से आकर्षित होंगे। और फिर लास्ट वाले दिन वही प्रार्थना करके आपको घर वापस आ जाना है। अब देखिए यहां पर ये रेमेडी वर्क कैसे करेगी, क्योंकि आपने किसी जीव जंतुओं के लिए, आपके अंदर जो अग्नि है पेट में वही अग्नि और जीव जंतुओं में है ठीक है, हमें भोजन ज्यादा लगता है लेकिन उनको कम लगता है, लेकिन अग्नि वही है, मतलब कि जो अग्नि की जो आग होती है तो वही है। तो आपने 3-4 महीने के लिए उन जीव जंतुओं को जो कुछ कर नहीं सकते हैं, मूक जीव जंतुओं के लिए आपने भोजन की व्यवस्था की है। यहां पर आपके शनि राहु केतु तो बैलेंस होंगे, साथ में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आपको विशेष कृपा प्रदान करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों कि 7 डेज 11 डेज में आपको चमत्कारिक रूप से परिणाम मिलेंगे इसके। एक मनोकामना एक परेशानी की मुक्ति के लिए एक बार इस प्रयोग को करना है, फिर आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाती है, एक परेशानी दूर हो जाती है, तो दूसरी के लिए इस प्रयोग को करें। ये 2 बादाम का चमत्कार दोस्तों आपकी लाइफ में बहुत ही जबरदस्त आएगा, क्योंकि ये कोई मतलब कि वो नहीं है, टेस्टेड, खुद का टेस्ट किया हुआ प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, कि मैंने खुद की मतलब इसमें एक्सपीरियंस देखा है, कि मैंने खुद में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी जो मुझे हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जब मैंने ये प्रयोग किया तो मुझे 3 दिन में इसका रिजल्ट मिल गया। तो आप ये समझिए कि पूरी श्रद्धा से विश्वास से अगर इस प्रयोग को आप कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कर्ज की समस्या चल रही है, गरीबी की चल रही है, धन की चल रही है, बेरोजगारी की, व्यापार नहीं चल रहा है, जो भी आपकी समस्या है सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बस प्रयोग करते समय अपने विचार आपको क्लियर रखने हैं कि इस परेशानी से मुझे मुक्ति चाहिए, ये मनोकामना मेरी पूरी हो जाए। पूरी श्रद्धा से आत्म लगन के साथ में, आत्मसमर्पण के साथ में इस प्रयोग को करिए, अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दीजिए कि प्रभु अब सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपको जो सही लगता है वो आप करिए, है ना। किसी की जठराग्नि को शांत करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आपने 3-4 महीने के लिए जो उन मूक पशुओं के लिए आपने भोजन इकट्ठा किया है, उनके पेट में जब ये अनाज जाएगा तो उनकी जो ब्लेसिंग्स होगी वो आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगी। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, पूरे विश्वास से करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ, और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी को शेयर करिए दोस्तों। देखिए आप जितने लोगों को शेयर करेंगे, जितने लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, है ना। तो शेयर जरूर करें, और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट करें। और जो मैंने पूजा आपको बताई है शनि को बैलेंस करने के लिए, शनि राहु केतु को बैलेंस करने के लिए, या राहु को बैलेंस करने के लिए, या फिर 3 महीने में खुद के घर के योग चाहते हैं, प्राप्ति चाहते हैं, जिस भी पूजा की नीड है व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।